Hello everyone. In this video, we are going to discuss the Mauryan empires. और सबसे पहले हम discuss करेंगे central government यानी केंद्र सरकार. तो मौर्य के time में केंद्र सरकार कैसी थी, क्या उनका structure था और क्या उनका basic philosophy या principle था, वो इसमें हम discuss करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे जैसे मौर्य की विजय हुई तो वहाँ पे monarchy यानी राजतंत्र स्थापित हो चुका था, मोनार्की इस्टेब्लिश हो चुकी थी. और जो दूसरे सिस्टम थे जैसे कि रिपब्लिक एंड ओलिगार्कीज, वो भी उस टाइम पे जो कि प्री मौर्य पीरियड के अंदर प्रिवलेंट थे. जैसे कि हम देखते हैं गौतम बुद्ध और भगवान महावीर एक रिपब्लिक से बिलोंग करते थे, वो उस टाइम पे कोलैप्स हो चुके थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मौर्यास. तो वट वॉज द रीज़न दैट दीज रिपब्लिक्स गेट कोलैप्स्ड, and this is the question which has asked under history optional in 2018 mains. इस चीज़ के बारे में हम further जब ये topic complete हो जाएगा last में मैं video बनाऊंगा इससे related why the republic get collapsed. उसके बाद हमारे जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य is well known throughout the world, पूरे world पूरी दुनिया के अंदर कौटिल्य का नाम अच्छी तरह से सबको पता है. and they are well known political thinker and the foremost political thinker of India and he has supported monarchy. जो कौटिल्य थे उन्होंने भी मोनार्की यानी राजतंत्र को सपोर्ट किया था, लेकिन वो एब्सोल्यूटिज्म के हक में नहीं थे. ही डिड नॉट स्टैंड फॉर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म कि राजा में जो दिल में आए वो करें. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया, उन्होंने एक सिस्टम बताया कि राजतंत्र को कैसे चलाना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम उन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि आज भी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ कॉल्ड द मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन की. और इसके मेंबर कौन कौन थे, देर इज पुरोहित, महामंत्री, सेनापति एंड युवराज. दीज वर द फोर मेंबर्स ऑफ दिस मंत्रिपरिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आज भी होती है और इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर. अगर हम सेंटर की आज की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आज भी यहाँ पे हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधान सेवक. अब उसके बाद उन्होंने के और ये सिस्टम जो फैब्रिकेट किया था कौटिल्य ने किया था, कौटिल्य ने कहा था कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए. अब उसके बाद उन्होंने सिविल सर्वेंट भी, अगर आपके पास एक राज्य है, राज्य को चलाने के लिए आपके ऑफिसर्स भी चाहिए होंगे, आपको सिविल सर्वेंट भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पोस्ट थी अमात्या, जो आज के IAS ऑफिसर होते हैं उनके अकॉर्डिंग उस टाइम में बोला जाता था उनको अमात्यास. और इसकी जो IAS की सिलेक्शन का पूरा वेल नोन प्रोसीजर्स है वो कौटिल्य ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था. जैसे कि आपको पता है अशोक ने धम्म को स्प्रेड करने के लिए धम्म महामात्र अपॉइंट किए थे और ये धम्म महामात्र थे फोर ऑफिसर, पुरुष युक्त, रज्जुक एंड परदेशिक. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मौर्य स्टेट के अंदर जो सिविल सर्विस थी वो भी वेल ऑर्गेनाइज थी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी वेल ऑर्गेनाइज था. और इस ये देन थी कौटिल्य सर की, वी कैन श्योरली कॉल्ड कौटिल्य एस सर. अगर हम अंग्रेजों को सर बोल सकते हैं विलियम सर विलियम बेंटिंक, तो हमें कौटिल्य को भी बोलने में कोई शर्म नहीं यहाँ पे आनी चाहिए. अब हम बात करते हैं वहाँ उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की. आज के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स. उस टाइम पे बोलते थे समहर्ता, जो उनका इंचार्ज होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दैट इज़ कॉल्ड समहर्ता. एंड रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता था, लैंड से, लैंड से, इरिगेशन से, कस्टम से, शॉप टैक्स से, फेरी टैक्स से, फॉरेस्ट से, माइंस एंड पेस्चर से, लाइसेंस फी भी दी जाती थी. ये लाइसेंस फी आज भी दी जाती है और इसी के ऊपर पूरे का पूरा हुआ था 2G स्कैम. और इसको बाद में क्या कर दिया गया, इसकी बिडिंग कराओ, ये चारों तरफ शोर मच गया था. तो ये लाइसेंस फी था. तो जैसे ही आप इस 2G स्कैम को पढ़ोगे तो आपको मौर्य का यहाँ पे लाइसेंस फी फ्रॉम क्राफ्ट्समैन भी समझ में आएगा. फी फाइन कलेक्टेड फ्रॉम द लॉ ऑफिसर, आप सड़क पे जाते हो पुलिस वाले आपका चलान काट देते हैं, वो क्या है, दैट इज़ अ फाइन. जब आप कोर्ट में जाते हो अगर आपने कुछ ऐसा सिविल सूट फाइल किया कोर्ट के अंदर तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है कि आपने अपना पेमेंट क्यों नहीं किया. इसी तरह से द रेवेन्यू वॉज फाइनली फिक्स्ड ऑन 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. जो एग्रीकल्चर था यहाँ से 1/6, जो एग्रीकल्चर था एग्रीकल्चर के ऊपर 1/6 रेवेन्यू लिया जाता था. यानी जो आपका प्रोड्यूस है जितना भी आपको फसल हुई है उसका 1/6 यानी 1/6 हिस्सा, जो कि होता है तकरीबन 16.66%, वो आपसे रेवेन्यू के तौर पे लिया जाता था. अब ये एक्सपेंडिचर कहाँ होता था, किंग पे होगा, उसके हाउस होल्ड पे होगा, आर्मी पे, गवर्नमेंट सर्वेंट पे,
पब्लिक वर्क पे सड़कें बनाई जाएंगी, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, रिलीजन को सपोर्ट किया जाएगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं आर्मी की। तो मौर्यन एम्पायर के अंदर आर्मीज कैसी थी? देर वॉज वेल ऑर्गेनाइज आर्मी अंडर द मौर्यास, और जो उसका हेड था उसको बोलते थे सेनापति, विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर काउंसिल, राइट? या जो किंग की काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके जो मेंबर होते थे वो सेनापति भी होते थे, जैसे कि आज डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। और इनकी जो सैलरीज थी, ऑल द सैलरी वॉज पेड इन द कैश, एंड कोटिलिया हैज रेफर द सैलरीज ऑफ डिफरेंट रैंक ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स। जो ग्रीक ऑथर थे पिलनी, उन्होंने कहा है कि मौर्य के पास 600,000 इन्फेंट्री की 600,000 पैदल, जो पैदल सैनिक होते हैं उनको इन्फेंट्री बोलते हैं, 600,000 पैदल सैनिक थे, एंड 30,000 कैवलरी, 9,000 एलिफेंट एंड 8,000 चैरियट, यानी 8,000 जो उनके पास रथ थे, 9,000 हाथी थे, 30,000 घोड़े थे और 600,000 पैदल सैनिकों की बहुत बड़ी फौज उनके साथ थी। ऐसा हमें कहां से पता लगा है? ग्रेट अथर पिलनी के बुक से, इस तरह से हम उनके बारे में पता लगता है। उसके बाद बात आती है नेवी की। उनके पास नेवी भी थी और एक ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग, जैसे कि आज की आर्मी के अंदर भी एक होती है ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग, जो कि आपको मटेरियल और एमिनेशन और फूड वगैरह सप्लाई करने का काम करती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग, वो आज भी है। उसके बाद आते हैं कंट्रोल ऑफ अध्यक्ष। हर जो विंग थी ना, तो यहाँ पे जो हमारी थी, जो भी विंग थी, चाहे वो इन्फेंट्री हो, चाहे वो कैवलरी हो, चाहे वो चैरियट्स हो, हर विंग को एक सुपरिटेंडेंट होता था, एक अध्यक्ष होता था, जैसे कि एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, तो वो क्या करता है, एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है। इसी तरह से यहाँ पे आर्मी के अंदर भी एक सुपरिटेंडेंट था जो उनकी एक स्पेशल विंग को कंट्रोल करता था। और इसके लिए मैक्सथनीज ने कहा है कि यहाँ पे 6 कमेटी होती थी 5 मेंबर्स की। ये किसने कहा है? मैक्सथनीज ने बोला है कि यहाँ पे 6 मेंबर की 5 कमेटी होती थी। अब हम बात करते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मेन काम था रिटेल और होलसेल प्राइस को ऑफ गुड को कंट्रोल करना, यानी कि इनडायरेक्ट, अगर हम सीधे आज की लैंग्वेज में बात करें तो उसका डायरेक्ट काम था महंगाई को कंट्रोल करना, टू चेक द इन्फ्लेशन, रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस को कंट्रोल करना, और ये सुनिश्चित करना कि वहाँ पे स्टडी सप्लाई हो, यानी देर शुड बी द कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द गुड्स, सो दैट देर विल नॉट बी द प्राइस हाइक एंड द पीपल विल नॉट सफर। और हु इज डूइंग दैट? दैट इज ऑल्सो नोन एज अध्यक्ष। अध्यक्ष इज ऑल्सो कंट्रोल वेट एंड, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड वेट एंड मेजर्स, लेविज, कस्टम ड्यूटीज एंड रेगुलेटेड ट्रेड फेयर्स। अब हम बात करते हैं जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे मौर्यास के अंदर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स, बोथ टाइप ऑफ द कोर्ट्स विल बी देयर, वॉज देयर, दैट इज सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। एंड कैपिटल के अंदर आपका एक सुप्रीम कोर्ट होता था, कैपिटल के अंदर, जैसे आज हमारा दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होते हैं, और उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला जाता था, यानी जो उस टाइम के चीफ जस्टिस होते थे उसको बोला जाता था धर्माधिकारी। सो दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स, बिकॉज ये अभी तक आया नहीं है कि वट वॉज चीफ जस्टिस कॉल्ड ड्यूरिंग द मौर्यास, दैट वॉज कॉल्ड धर्माधिकारी। और जो देर वॉज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑल्सो, जैसे कि हम दिल्ली के बाद हरियाणा में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इस तरह से पूरा सिस्टम वहाँ पे भी था। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है दैट वॉज अंडर अमात्यास। अब वहाँ पे पनिशमेंट किस टाइप की दी जाती थी, आज किस टाइप की पनिशमेंट दी जाती है, फाइन लगाए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है, या कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा दी जाती है अगर कुछ केसेस के अंदर, जैसे जहाँ पे 302 लगेगी, मर्डर, जैसे रेप का केस है, तो इस जो आईपीसी की धारा है 302 और रेप की जो है उसके अंदर डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन अभी जो छोटा गया वो म्यूटेशन, अभी आपका सर नहीं काटा जाता, अगर आपने कुछ गलत कर दिया ना तो आपको भले फांसी की सजा दे दी जाए लेकिन सर नहीं काटा जाएगा, दिस इज द डिफरेंस। तो ये 4 टाइप की पनिशमेंट वहाँ पे थी। टॉर्चर ऐसे ही है, जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो पिटाई भी करती है, तो पिटाई वहाँ पे भी बहुत होती थी। पुलिस स्टेशन हर प्रिंसिपल सेंटर पे मिलते थे, जैसे कि आज है। तो अगर आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आज से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको एक भी पॉइंट यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड इट, कंपेयर इट विद टुडे एंड यू विल फाइंड दैट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द कंप्लीट कॉपी पेस्ट, कंप्लीट मिरर इमेज ऑफ टुडे।
यू नो जैसा आज का हमारा सिस्टम है, तकरीबन इसी से कुछ ना कुछ मिलता जुलता मौर्यन का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। अब बात करें हम कौटिल्या और अशोकन एडिक्ट की, तो कौटिल्या और अशोकन एडिक्ट से हमें पता चला है कि जेल भी थी और जेल ऑफिशियल्स भी थे। सॉरी, अब हम बात करते हैं धम्ममात्र। धम्ममात्र को ये ऑर्डर दिया गया था कि जो भी हैं अनजस्ट, यानी जिन लोगों को जानबूझ के जेल में डाल दिया गया है, जिनको सुनवाई नहीं हो रही, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और रिमिशन ऑफ सेंटेंस। आपको पता ही है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास पावर होती है रिमिशन ऑफ सेंटेंस की अंडर आर्टिकल 72 एंड 164। तो इस तरह से यहाँ पे रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस भी था। सेंसस, रेगुलर सेंसस होते थे, कास्ट और जो विलेज में ऑफिशियल थे वो कास्ट और ऑक्यूपेशन का भी सेंसस करते थे। एनिमल का भी सेंसस किया जाता था इन ईच हाउस की, हर घर में कितने पशु हैं, जैसे कि आज भी किया जाता है। सेंसस 2011 के अंदर हर चीज़ का सेंसस किया गया था, वहीं से हमें हमारे पास एक्चुअल डाटा आता है कि हमारे देश में किस चीज़ की कितनी पॉपुलेशन है, और इसी से हमें पता लगता है कि इंडिया इज द सेकेंड इन द वर्ल्ड विच है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल इन इस कंट्री। शहरों के अंदर क्या होता था, देर वॉज म्यूनसिपल ऑफिशियर्स who were track the movement of the both foreigners as well as indigenous, and data was cross checked by the spies. There was वहाँ पे क्या होते थे, जासूस होते थे जो डाटा को चेक करते थे। क्रॉस वेरिफिकेशन था, मतलब कितना चेक एंड बैलेंस उस सिस्टम के अंदर था। तो वहाँ डाटा कलेक्टेड वर क्रॉस चेक बाय द स्पाइज। सेंसस अपीयर टू बी अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे आज परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन चुका है। 1771 से फर्स्ट टाइम हुआ था, फिर 1781 से फर्स्ट टाइम रेगुलर सेंसस हमारा होना शुरू हुआ, और आज 2011 में भी हुआ था, अब नेक्स्ट होगा 2021 में। तो जैसे उस मौर्यस के अंदर परमानेंट इंस्टीट्यूशन था सेंसस, वो आज भी है। और यहाँ पे कौन थे 1781 में, लॉर्ड रिपन वॉज देयर। और यहाँ पे कौन थे, आई डोंट नो, बता दीजिएगा कमेंट में कौन थे। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर को ना चार प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, जिनकी कैपिटल थी तक्षशिला में, उज्जैन में। तक्षशिला आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर है, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है, स्वर्णगिरी कर्नाटक के अंदर है, एंड कलिंगा इज इन उड़ीसा। और वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे, जो ज़्यादातर रॉयल फैमिली से होते थे, जिनका मेन काम क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड टैक्सेस को कलेक्ट करना, ये उनका बेसिक काम था। डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आता था, डिस्ट्रिक्ट आता था रज्जू के अंदर, जो मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरह काम करते थे। अब यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे विलेज के अंदर क्या होता था, विलेज के अंदर जैसे आज सरपंच होता है, सरपंच की जगह वहाँ पे था ग्रामीणी, और उसके बाद 10 से 15 विलेजेस को मिला दिया जाए तो यहाँ पे ब्लॉक समिति बनती है अंडर द पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, गोपा के बाद आता था याकूत, युक्ता, और युक्ता के बाद आता था रज्जुक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, विच इज वर्क एज टूडे एज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो आज के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसकी तरह काम करते थे, वो थे रज्जुक। बोथ कौटिल्या एंड मैग्सनीज प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कौटिल्या और मैग्सनीज दोनों ने बोला है कि एक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, और नागरिक या अर्थशास्त्र के अंदर, यानी कौटिल्या के जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर तो एक पूरे का पूरा चैप्टर दिया गया है कि जो नागरिका या सिटी सुपरिटेंडेंट होता है उसका क्या फंक्शन है, वो क्या काम करेगा, उसका रोल क्या है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। जैसे आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का क्या रोल है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर आ गया, आपकी बेसिक सप्लाई आ गई, आपका प्रॉपर रेगुलेशन आ गया। तो इस तरह से वहाँ पे भी था। और मैग्सनीज के अंदर ये बोला गया है कि वहाँ पे 6 कमेटीज थी इन द पाटलिपुत्र ऑफ 5 मेंबर ईच टू लुक आफ्टर इंडस्ट्री, फॉरनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ गुड, कलेक्शन ऑफ टैक्स। सो दिस इज अबाउट द बेसिक अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड प्लीज सपोर्ट माई वीडियो बाई लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियो, एंड प्लीज कमेंट, आप अपना रिएक्शन जरूर दें, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या कहाँ इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।